आज हम 6 वोल्ट डेड बैटरी को रिपेयर कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये डेड बैटरी है, इसका पहले वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रखना होगा। इसमें यहाँ पे प्रॉप चेक करते हैं इस तरीके से लगाकर। ये देखिए 0.75 0.21, यानी तकरीबन 1 वोल्ट है, भी नहीं है, 1 वोल्ट के आसपास है। तो इससे पहले हम खोलते हैं चुम्बक के सहारे से। खोलने के बाद इसके ऊपर की जो कैप होती है वो आसानी से निकल जाती है। ये बैटरी पूरी ड्राई हो चुकी है, इसमें का पानी पूरा सूख गया है, इसलिए वर्क नहीं कर रही है और डेड हो चुकी है। इसे हम सीरीज की मदद से, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो इन्वर्टर के बैटरी में पानी जो यूज़ किया जाता है, वो इन्वर्टर के बैटरी में का पानी जो है वो उसमें हमें इंसर्ट करना है सीरीज की मदद से। आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ इसका वोल्टेज कितना है। अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं अप्रॉक्स 1 है, 1 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसे 12 वोल्ट चार्जर से चार्ज करेंगे और इसको 10 मिनट चार्जिंग तक लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास जैसे होते हैं अडाप्टर, जैसे कि मोबाइल चार्ज करते हैं वो 5 वोल्ट के रहते हैं, इससे नहीं होगा, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। मगर मेरे पास जो है वो 12 वोल्ट चार्जर है, तो मैं इसे 12 वोल्ट चार्जर से लगा कर 10 मिनट ला कर रखूँगा तो ये बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी। तो चले इसे हम फिर से एक बार ऊपर की कैप लगा देते हैं और इसे अच्छी तरीके से साफ कर कर ऊपर की जो कैप है वो लगा कर इसे चार्जिंग को लगा देते हैं 12 वोल्ट चार्जर। यह है 12 वोल्ट का चार्जर, इसे मैंने बैटरी को लगा दिया है। 10 मिनट तक इसे लगा कर रखेंगे और फिर देखेंगे इसमें वोल्टेज कितना दिखाता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अभी हम इसे निकाल कर चेक करेंगे कि बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो सेटअप बॉक्स का भी जो चार्जर होता है वो 12 वोल्ट का ही होता है, तो कई कई सेटअप बॉक्स का 12 वोल्ट का होता है, वो भी चार्जर से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे जो डिवाइस होते हैं वो 12 वोल्ट के चार्जर से ही चलते हैं, तो उसका भी यूज़ करके हम इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, मेरे पास ये था तो मैंने इसका यूज़ करके इसे चार्ज किया है। तो अभी हम इसे निकाल कर पूरी तरीके से देखेंगे और मल्टीमीटर में चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज कितना दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर में, देखिए 5.7 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी तकरीबन 6 वोल्ट के आसपास चार्ज हो चुका है। ये बैटरी 6 वोल्ट चार्ज 6 वोल्ट की है। तो हम इसे पहले लाइट लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक एलईडी जो थी मेरे पास, वो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ जलती है नहीं जलती। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उसका आपको थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।